सुधा जी, स्वागत है आपका। जो मेरा छोटा बेटा है, सारी आपकी दवाइयाँ खाता है, और आपने भी देखा था शैलजा, उनको जी जी दवाई तो जी देते थे साथ में जी थे। वो जी पानी बहुत कम पीते हैं और 24 घंटे 48 घंटे की 15 दिन में एक बार फास्टिंग भी करते हैं। 18-19 घंटे की तो उनकी डेली की फास्टिंग है, तो पानी की कोई जरूरत ही नहीं लगती। तो क्या लगे, मैंने उसको कहा भी था कि जैसे आप बताते ढाई 3 लीटर पानी पिया करो, तो कहने लगे मेरे शरीर को जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो नहीं पीता। तो क्या ये ठीक है? सर मैं बहुत तेज गर्म पानी भी पीती हूँ, गर्म तो पीती हूँ हर वक्त, फिर मैं बहुत तेज भी पी लेती हूँ। 18-19 घंटे की फास्टिंग मैं भी करती हूँ डेली की। तो एक बार ऐसी मतलब कि मेरे को गर्मी महसूस हुई, तो बच्चे हंसने लगे, कहते गर्म गर्म पानी पियोगे गर्मी में तो क्या हाल होगा, यही हाल होगा ना आपका। मैंने कहा मुझे जी कुछ नहीं होता सर, कहते हैं कि गर्म पानी पिया करो कुछ नहीं होगा। तो ठीक मैं है। कई दफा तेज गर्म पानी भी पी लेती हूँ, चुस्की मार के से आप बताते पी लो, तो ये कहाँ तक ठीक है? अब बेटे के लिए जरूर बताओ, मेरे दिमाग में अभी आया, अभी जिक्र कर रहे थे आप पानी का, जी तो उसे कहूँ कि पानी पीना शुरू करें या ठीक है? अच्छा, देखिए, पानी का या खाने का इंसान पे निर्भर हो गया है कि जितना चाहे पानी पीता है। और क्योंकि आप लोग रईस लोग हैं, और ये जो रईस लोग हैं या एसी में रहने वाले लोग हैं, उनको प्यास कम लगती है, लेकिन हमारे जिस्म को कम से कम 2.5 लीटर पानी चाहिए होता है। और ये इसलिए भी चाहिए होता है कि हमारा खून साफ होता है, और ये खून साफ होने के लिए हमारी किडनी को पानी चाहिए, हमारे जिस्म को पानी चाहिए, और हर वक्त किडनी खून को साफ करती रहती है। और किडनी को अगर उसकी ज़रूरत से कम पानी मिले तो वो सुकड़ भी सकती है या उसमें पथरी भी हो सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर विश्वास ना किया जाए, ये विश्वसनीय बात है। कम पानी पीने वाले अक्सर पथरी के मरीज हो जाते हैं या किडनी सुकड़ने के मरीज हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बात है कि चलो 2.5 लीटर नहीं पीते तो 2 लीटर पी लो, अंदाज़ा कर लो। और कभी कभी बगैर ज़रूरत के भी पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी और आप भी हमेशा एसी में रहते हैं, घर में एसी, गाड़ी में एसी, दफ्तर में एसी। तो असल प्यास तो जो लोग गर्मी में धूप में रहते हैं उनको लगती है। एक मेरी एक अजीज़ा का फ़ोन आया, कहने लगी कि 6-6 लीटर पानी पी रही हूँ और इतनी गर्मी है। वो गर्मी में रहती थी, एसी वगैरह कुछ नहीं था, इतनी गर्मी है कि पेशाब भी नहीं होता। 6 लीटर पानी कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमारे वातावरण पर भी है कि हम किस माहौल में रहते हैं, लेकिन पानी पीना बेहतर है, और गर्म पानी पीना और भी बेहतर है। आप कोई गलती नहीं करती हैं, आप बहुत अच्छी आयु जिएंगी और सेहत के साथ जिएंगी, ऐसा रिकॉर्ड है। दरअसल मैं ये कोई कुछ भी कहता हूँ तो बगैर सबूत और बगैर किसी प्रमाण के नहीं कहता, उसके सबूत होते हैं तभी आपसे मैं बात करता हूँ। इंदौर से हैं प्रियंका जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। सचिन साहब, मेरे दो सवाल है। तो है ना सर, मुझे यूरिन जलन बहुत हो रही है, मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही है, और मैंने अलसी और नमक जैतून भी ट्राई किया है, और मुझे ना खुजली भी बहुत चलती है, मतलब 2 दिन में मेरे को खुजली की गोली लेनी पड़ती है। खुजली? खुजली, हाँ ठीक है। उम्र जी, बता दीजिए प्रियंका जी। अच्छा, 24। देखिए, अलसी और नमक जैतून तो आप ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ गौंद चिलगोजा एक चुटकी भी लें, तब आपको पूरा फायदा होगा। अलसी और नमक जैतून आपकी एलर्जी दूर कर सकता है, और अगर गौंद चिलगोजा साथ में लेंगे तो पेशाब कंट्रोल कर सकता है, खुजली को कंट्रोल कर सकता है। तो आप एक एक चुटकी 2 बार गौंद चिलगोजा भी लिया करें,
आपको फायदा होना मुमकिन है। यूरिन में जलन भी है किम साहब? हाँ, और यूरिन कंट्रोल और जलन इन सब के लिए ये नुस्खा काफी होना चाहिए। जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब, हमें ये जानना था, जैसे साबित सलून आपका नुस्खा ले रहे हैं, उसमें जो होता है दूध ठंडा होता है, मतलब से कब बनता है, अगर खजूर साथ लिया जाए तो वो ठंडा या गर्म रहेगा या नुकसान करेगा, हमें ये जानना था। और दूसरी मैम, हमें ये कहना था, मेरी एज 29 है और हम हकीम साहब का ये साबित सलून आपका नुस्खा भी ले रहे हैं, सिया बोन भी ले रहे हैं और पीपी के लिए नमक, जैतून, सोडा, शाम को अलसी के साथ दे रहे। कभी कभी लगता उस चीज से फायदा, में चार पांच महीने हो रहे, कभी कभी लगता उस चीज से फायदा ही नहीं, समझ में नहीं आता मैम क्या है, किस चीज के लिए ले रही हैं जी, क्या चीज ये सारे नुस्खे साबिस्तान नाम का नुस्खा, और सर्वाइकल वगैरह है तो ये क्या बोलते हैं सियागोन, और थोड़ी सी घुटनों में जैसे वो रहती है तो पैर सुन बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए सियागोन ले रहे हैं। और बीपी इधर बार नवंबर से बढ़ गया था तो अंग्रेजी दवा भी ले रहे हैं, और हकीम साहब से बात हुई थी तो ये नमक जैतून और सोडा तो अलसी के साथ भी ले रहे हैं रात में, और दिन में मेरी सफेद गले की दिक्कत थी। ठीक है मैम, ठीक है मैम। देखिए, ये सफिस्तान उन्ना वाला नुस्खा दूध से नहीं लेना चाहिए, पानी से या चाय से ले लें, गर्म पानी से या चाय से, तब ज़्यादा फायदा करेगा। और जो जो इसके मरीज होते हैं नज़ले के, तो उनको दूध भी नुकसान देता है। और कुछ तो ऐसा है जो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना जो फायदा कर रहा है फिर ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज जरूरी है 3-3 मिनट, और वो एहतियात जो मैं सबको ही बताता हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट और कुर्सी वगैरह कुर्सी का वाला शौचालय और झाड़ू पोछे को मना करता हूँ, वो भी आप जरूर एहतियात कर रहे होंगे, देख लीजिए कुछ दिन और लगातार दूध छोड़ कर देख लें, मुझे अभी भी उम्मीद है कि आपको मजीद फायदा मुमकिन है। और ये जो खजूर खाने की बात कर रही थी, तो फिर खजूर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है अगर वो दूध छोड़ देती हैं हकीम साहब? खजूर तो वैसे भी खाई जा सकती है, खजूर क्योंकि अपने आप में गर्म है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्म नहीं है, मैं तो बहुत बहुत खजूर खा लेता हूँ, तो बगैर दूध के भी आप खजूर खा सकते हैं जी। पंजाब से हैं सरबजीत, स्वागत है आपका। मैम, मेरे को पेट की प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम है? कौन सी मतलब पेट जैसे मतलब बराबर ऐसा रहता है, पेट फुला फुला रहता है, और कौन सी अभी मैंने जैतून नमक लिया है मैंने, हाँ, कब्ज वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है। जब वो छह चीजों का चूर्ण बनाया आपने? हाँ जी सर, बनाया। तो देखिए, अगर किसी सूरत कब्ज ना टूटे तो उन छह चीज़ों में 7 चीज़ें कर लीजिए, उसमें 100 ग्राम अलसी भी मिला लीजिए, तो आपका कब्ज तोड़ने के लिए काफ़ी है। और उसके बावजूद भी अगर किसी का कब्ज ना टूटे तो नुस्खा ये लीजिए, और 1 चम्मच अरंडी का तेल गर्म दूध में डाल के रोज़ाना पी लिया करें, ये पेट के रोग खासतौर पर कब्ज के लिए, शायद इससे बेहतर कोई नुस्खा यूनानी में ना हो, तो ये भी आप करके देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप सब करें तो आपको फायदा मुमकिन है।